हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज सुनील वर्मा एंड आई वेलकम यू हियर एंड जस्ट विद द घोष ऑफ निरंकार जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो यू कैन सी दिस इज द ट्रूथ ऑफ द सेवादार एंड देयर आर सो मेनी सेवादार बहने एंड भाई आर देयर एंड वी आर गोइंग टू राजा जी टू अटेंड वन कन्वोकेशन ऑफ द माता दीक्षा जी महाराज. शी इज गिविंग अस blessing and that's why just we want to attain fully knowledge of this Nirankar and people want to just ferry their soul. That's why. So we will come to know the thoughts of our Sevadal Bhaiyan. Yes. Okay. So we will see the youngest. First of all, youngest Sevadal. Yeah. Let's go. Youngest one. आपको कैसा लग रहा है जी? नानी जी आप बताइए अपना. व्हाट इज योर नेम? कैसा लग रहा है आपको आप रायबरेली जाते हुए? यहाँ पर आप जा रही हैं रायबरेली माता सुदीक्षा जी के दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आप जो बैठी हुई हैं आराम से, किसके साथ जा रहे हैं आप? किसके साथ जा रहे हैं? कौन ले जा रहा आपको? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, किस लिए? सेवा के लिए. अच्छा, जी यहाँ पर कहना है सेवा के लिए जी सर. एंड मोस्ट फेमस सेवादल. यस सर. हाँ, इनसे जानेंगे आप थोड़ा सा. शी बॉर्डर संचालक जी अर्ली इन द मॉर्निंग. शी वांटेड सो मेनी टॉपिक्स. दैट इज व्हाई. ओके. जी बहन जी, आप बताइए कि आप यहाँ पे रायबरेली जा रही हैं माता सुदीक्षा जी के दर्शन के लिए, और आपकी क्या सेवा है यहाँ पर? क्या सेवा से आप, क्या वहाँ से मिलता है आपको? आप कुछ चंद लाइनों में बताइए जी. हमारी सर्चिंग की सेवा है. किसकी सेवा है? सर्चिंग की सेवा है जी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. चलिए आगे चलते हैं हम और माताओं बहनों से सेवा दल के बात करते हैं यहाँ पर. और यहाँ पे अंशु बहन हमारे और भी महात्मा बैठे हुए हैं यहाँ पर सेवा दल के. आइए बात करते हैं इनसे भी. अंशु जी, जी बताइए हमारी क्या पर्पज है आपका ये इस मिशन से जुड़ने का, और आप जा रही हैं वहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम निरंकार मिशन से जुड़े हैं जी, और आज हमारे राह बदलने में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी तरफ से सेवाएं लगी हुई हैं, तो बस हमारा ध्यान से यही है कि जो सतगुरु का हुक्म आ जाए उस पर हम चल पाए, जो सेवाएं हमें मिल जाए उसको प्राप्त करें, बहुत सम्मान सेवा करें. जी अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आप इस कल्याण यात्रा पर माता जी आई हुई हैं सुदीक्षा जी, आप उनका सहयोग करने के लिए, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका पात्र बनने के लिए जा रही हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा. जान निरंकार. अच्छा भाई साहब, बहुत दिन में आए हैं और एक साथ कैसा महसूस? जी भाई साहब, आज आप यहाँ सब निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर आ नहीं पा रहे, काफी संगत अटेंड नहीं कर पा रहे. आप रायबरेली जा रहे हैं माता सुदीक्षा जी के दर्शन के लिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर हियर? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. जाने हमको बिना कुछ हमको सर्व सेवा करने के लिए अगर कुछ मिला, ताकि एक वक्त धन्यवाद बाबा जी का एक दान करने के लिए मौका फिर से आया हमारे पास. जी जी धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपकी. बहुत एक संत और बैठे हुए यहाँ पर पंजाब से आए हुए महात्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप रायबरेली जा रहे हैं महात्मा जी. गुरु दर्शन का फल है बच्चा मनो पाठ बनाता है. वाह जी वाह. मन के साथ ही थोड़ी पा के मन मैला. वाह जी वाह. अगर गुरु के दर्शन हो जाए तो और क्या चाहिए? जी जी, बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद. जी जी, यहाँ पे साफ तौर पे कहना है महात्मा जी का कि सबसे बड़ा जो हमारा काम है, सबसे बड़ा गुरु दर्शन. जी गुरु दर्शन हम लोगों को मिल रहा है. आइए चलते हैं आगे, कुछ सेवा दल के महात्मा बहने बैठी हुई हैं, आइए बात करते हैं उनसे. वी विल शो यू आवर फेस जस्ट हु ऑलवेज लाइक टू लूट द दाल एंड चावल. या द काड़ी दाल एंड द पीली दाल. या सो वी विल मीट मिस या सुधा जी इज हियर. वी वांट टू टॉक मिस सेवा दल बहन सुधा जी. वी वुड लाइक टू टॉक एंड हाउ यू आर गेटिंग देयर. या या यू कैन स्पीक हिंदी. या वीडियो यू आर स्टकिंग मिस्टर सुधा, सो प्लीज सुधा जी आप यहाँ पे, दिस इज गोइंग द लाइव वीडियो, सो प्लीज. या
सो प्लीज डोंट गेट बोदर्ड। आई थिंक ये थोड़ा इज फीलिंग साइज इज फीलिंग सॉरी सो सो वी विल मूव टू अनदर अनदर सेवा दल बहन सेवा दल बहन भाभी जी आल्सो सिटिंग देयर दे आर नॉट जस्ट स्पीकिंग दे लाइक टू हैव द सेल्फीज या दे आर वेरी लाइक टू हैव सेल्फीज एंड नो दे आर जस्ट या ऑन मोबाइल्स एक्चुअली। यहाँ पे सेवा दल की और भी बहनें बैठी हुई हैं, हम देखते हैं क्या यहाँ पर क्या किस पर्पज से यहाँ पे जा रही हैं, सेवा का भाव लेकर के माँ गुरु सुदीक्षा जी का दर्शन करने के लिए। जी जी अरे यार नहीं नहीं आइए क्वेश्चन करिए सर आके आप हम तो सब वीडियो बना रहे हैं आप डॉक्टर साहब गो टू डॉक्टर साहब आइए क्वेश्चन सर ओके डॉक्टर टेक ऑनलाइन फ्रॉम डॉक्टर साहब How does she feel, master? You should speak the question, sir. I'm just a cameraman here. आप ये बताएं जैसे समागम अभी हुआ था सोनीपत में समालखा में और उसके तुरंत बाद जो ये दौरा चल रहा है माता जी का इसे कैसा महसूस कर रहे हैं कि कल जो है कानपुर की संगत की आज आप रायबरेली में सेवा करने जा रहे हैं तो कैसा आपको इतनी कैसे देखती हैं आप इस चीज को? क्योंकि बार बार सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है और सेवा से बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं। तो मेरी शार संगत जी ये सेवा से बढ़ के कुछ है ही नहीं ये संसार में और हम सेवा कर कर के इतना हर्षित हो जाते हैं कि हमारे सारे दुख ही भूल जाते हैं। प्यारी शार संगत जी सेवा से बड़ा कोई ही ऐसा कुछ नहीं है जो सुख दे हर से ही सेवा शुरू होती है प्यारी शार संगत जी और हम छोटे छोटे बच्चे आए हैं और खुशियाँ लेके जा रहे हैं वहाँ सेवा दौड़ दौड़ के करते रहते हैं बच्चे और बच्चों को देख देख कर बड़े भी सीखते हैं जो इतनी खुशी मिलती है कि जीवन में और कोई आनंद ही नहीं है इसके सिवा प्यारे शार संगत जी वहाँ माता जी के दर्शन होंगे तो मन गदगद हो जाएगा दर्शन और हम सब वहाँ से खुशियाँ लेके जाएंगे हमेशा सेवा सत्संग सुमरण करते हुए जीवन का निर्वाह करेंगे प्यारे शार संगत इससे बड़ा कोई ही खुशी नहीं है जो संसार में हमें सारे सुख मिल जाते हैं सेवा करके प्यारे शार संगत जी कहना क्या है ये आप संत महात्मा हैं खुद ही जानते हैं संसार को क्या दिखाना है हम सारे इतने खुश हैं कि जीवन में कुछ रह ही नहीं गया है इस खुशी के आगे सारी खुशियाँ मिल रही हैं प्यारे शार संगत जी क्या कहना है यहाँ पे माता जी का कहना है साफ तौर पर छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है तो हमें सारे झगड़ों को भुलाकर गुरु को रिझाना है और सेवा के लिए हम जा रहे हैं तो सेवा ही करनी है यही भक्ति है हमारी तो आइए चलते हैं आगे और कुछ महापुरुष बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं उनसे लेते हैं उनकी प्रेरणा उनके भाव मन के विचार जी इधर 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 बहन जी यहाँ पे संचालक जी की बेटी बैठी हुई है दो लाइन एक लाइन में यहाँ पे बोल तो कुछ बोलेगी ना ओके कम टू संचालक पीछे बात में एक बात भी कर रहे हैं जी जी कम टू संचालक And after that, Shivam is sitting here and we will come to you. So, Sanchalak ji, आप बताएं कि आपका पूरा सेवा दल आपके साथ आ गया है अभी तो कैसा महसूस कर रहे हैं क्या उद्देश्य है माता जी की सेवाओं के लिए हम लोग रायबरेली जा रहे हैं सतगुरु माता जी सारे सेवा दल को खुशियाँ दें और सेवा करके हम लोग अपने अपने घरों को वापस आ जाए इसी रहमत बड़ी दूर दूर से हमारा सेवा दल आया हुआ है फतेहपुर के काफी गांव से है यहाँ पे मैनी महात्मा दे बिलोंग टू डिफरेंट प्लेसेस कम विद मी somebody is taking chapati also and
So you can see that this Mahatma is taking the puris and sabji. In starting, he didn't feel like going because his total family was busy. But even then, just he couldn't hold his heart. That's why he decided to go in the end of this journey. So you can see that he is having breakfast here. So how does he feel? यहाँ पे रमेश जी, आप सेवा के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपने वर्दी पहन रखी है, तो आप इस भक्ति के रंग में रंगना चाह रहे हैं, माता सुदीक्षा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं रायबरेली की पवित्र धरती पर माता जी आ रही है, वहाँ पे जाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, क्या आप सोचते हैं निरंकारी मिशन के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी रमेश जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ये भक्ति का एक बहुत बड़ा सैलाब वहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ हमारे सतगुरु माता जी के बहुत सारे भक्त आएंगे, इस मिशन के सभी आत्माओं के दर्शन मिलेंगे, सतगुरु माता जी के दर्शन मिलेंगे, और इस दर्शन से हमारा जो जीवन है वो हमारा धन्य होगा, और हम जो है आगे हमारे जो जीवन का मार्ग है वो बहुत ही सही ढंग से आगे हम जीवन नहीं आप विचार कर पाएंगे, बस हम इससे बहुत ही हमें खुशी मिल रही है। हाँ, तो हमारे साथी महात्मा भी बैठे हुए हैं रमेश जी के जस्ट बगल में, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर ये इनके जोड़ीदार कहा जाता है इन्हें, ये संत निरंकारी मिशन की रीढ़ की हड्डी भी इन्हें कहा जाता है, या ये एक गायक भी हैं संत निरंकारी मिशन में, इनका काफी नाम है फतेहपुर की ये ब्रांच जो चलती है यहाँ पर, एंड ही इज कंपोजर एंड लिरिक्स आल्सो। या तो लेट्स मूव टू द राम शरण जी। जी आप अब क्या महसूस करते हैं यहाँ पे संत निरंकारी मिशन के बारे में, माता जी के सदगुरु के बारे में, और क्या महसूस करते हैं और क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रही बात अभी आपने कहा शिक्षा देने की, तो देखिए यहाँ सब अपने आप में सारे लोग परिपक्व हैं, और ज्ञान के बाद मेरा अपना मानना है कि सारे के सारे सब परिपक्व हो जाते हैं, किसी को बताने या शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, आगे आगे से बस मेरा इतना ही कहना है, अरदास है, विनती है सभी अपने सेवादार भाई बहनों और संगत के चरणों में, हमेशा मालिक पर भरोसा रखिए, सतगुरु पर भरोसा रखिए, कि आपके बिगड़े हुए काम सब संवार देगा, और जीवन में रहस्य जीवन संवारते हुए हम अपना लोक और परलोक दोनों सुरेला करें। बहुत बहुत धन्यवाद राम चरण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। We have a fast and furious person, very quick person he is, and you know, after seeing his age, then you will not find out his activity. Okay, Mr. Dikpal ji, Mahatma Dikpal ji, just ek aapka bhi hum do lineon ka jo hai join karenge. Kaisa mehsoos ho raha hai sabhi saathiyon ke saath? Sadguru ki kripa hai, jo Mata ji ke darshan karne ja rahe hain, usse bada utsaah hota hai, aur jeevan jo hai उसमें होता है, और सारे महात्माओं के दर्शन करके अपने आप को बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ा अच्छा लगता है। अभी जैसे माता जी के दर्शन समलखा गए, समागम किया, वहाँ भी बड़ा आनंद लूटा, और ये दूसरा मौका फिर मिल गया रायबरेली के लिए, ये तो बड़ी ही महान कृपा है सतगुरु की, और सभी महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, और जीवन जो है आनंद, इसलिए हम बहुत महसूस कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, बड़ी अच्छी बात है।
तो आपने निरंकारी मिशन से क्या प्रेरणा ली है, क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जिससे प्रेरित होकर आपसे कितने लोग आपके गांव के, आपके परिवार के और आपसे आने वाले लोग क्या प्रेरित होते हैं, आप कितने लोग प्रेरित हुए आपसे जुड़े? जी हाँ, तो सतगुरु की कृपा से मैंने काफी लोगों को जोड़ा, गाँव से भी जोड़ा, अन्य महात्माओं को जोड़ा, और जो सेवा दल में हम हैं, इससे सेवा करने से, भक्ति करने से बड़ा ही आनंद मिलता है और सुखमय जीवन होता है और घर परिवार बड़ा खुशहाल रहता है। त्रिपाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आपने मिशन के बारे में बहुत प्रेरणा दी। धन निरंकार जी, अभी मिस्टर अशोक गुप्ता भी है, सो अशोक गुप्ता, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट ही कुडंट पुट ऑन हिज यूनिफॉर्म फ्रॉम हिज होम, बिकॉज इफ ही हैड पुट ऑन दिस यूनिफॉर्म फ्रॉम हिज होम सो ही वुड हैव बीन स्टॉप्ड, ओके, दैट्स व्हाई दिस नाउ ही इज विद अस, सो वी विल कम टू नो हिज थॉट आल्सो अबाउट दिस, दैट हाउ डू यू फील अबाउट दिस जर्नी, ओके जी, कैसा महसूस करते हैं आप इस यात्रा पर बैठ करके? आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे महात्मा बैठे हैं, योगेंद्र जी इनके साथ बैठे हुए हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप यहाँ पे जाते हुए जी? आपके विचार कुछ चाहेंगे? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ये जो बहुत अच्छा स्थान है, इससे अच्छा कोई स्थान नहीं था, हमको माता जी के दर्शन करके हमको महान खुशी होती है और हम के आदेशों से रह करके हमको 24 घंटे खुशी मिलती है, और आज जो है जन सैलाब वहाँ पे, so you know it is very interesting, just you know you came to know that early in the morning you will have to wake up and lot of mahatmas they are not in the habit of getting up early, so it is nice experience for everyone. Now we will go to Mr. Yashpal ji. Yeah, very inspirational person, he every single day he inspired to the balls and to serve the you know Sant Nirankari mission, the Fatehpur branch. We will come to the Yashpal ji very well, yeah. And many times I have seen him, just he uprooted so many big grass was yeah. there, and he uprooted because that he didn't want to show this, means he didn't want to let us feel that this is not good place, that's why, so he works hard over there, yeah, yeah. Outside also he sweeps all the road, so we will go to Mr. Yashpal ji, you will ask something. आप यशपाल जी, आप सभी के लिए प्रेरणा बनते हैं, बच्चों के लिए, बाल संघ के लिए, जैसे हम सभी वहाँ पे काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने आपसे काफी सीखा है, काफी प्रेरणाएं ली हैं, तो आगे आप इस यात्रा को बढ़ाते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे बाल संघ को और आगे इस मिशन के लिए? जी हम आने वाले सभी अपने संतों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए सबसे अपेक्षा रखते हैं कि सद्गुरु ने जो सिखलाई हमें दी है, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस जीवन को सुंदर बनाने का ये जो हमें मौका प्रदान किया है, सद्गुरु की शिक्षाओं को अपने कर्म में उतारते हुए हम हर तरह से समर्पित होकर के, तन से, मन से, धन से समर्पित होकर इस भक्ति का आनंद लेते हुए अपने जीवन को सुंदर रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, दाता कृपा करें, सबको ऐसा जज्बा दे, सब में ऐसी जो है सामर्थ्य प्रदान करें कि सब सदगुरु के वचनों को मानकर, सेवा से मन सत्संग को अपने जीवन में उतार कर भक्ति का सुंदर नजारा पेश करें, और इसी नजारे का अंग बनने आज हम सभी सेवा दल यूनिट 791 जनपद फतेहपुर सेवा के लिए सदगुरु के आदेशानुसार हम सभी रायबरेली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और नाइस टॉकिंग टू यू मिस्टर यशपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप इसी तरह सेवा पे आगे बढ़ते रहें, धन निरंकार जी। आज हम वी हैव वेरी क्वालिफाइड नाइस कुक अंकल जी हमारे साथ हैं, और ये मैं बतला दूँ आपको, प्रसाद बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बड़ा स्वाद बड़ा लजीज, अंकल जी से बातचीत करते थे, काफ़ी सुबह आके तैयार हो गए, बहुत जल्दी आए थे जी जी, अंकल जी बहुत शुक्रिया, कहना है धन्य कार्य। देखिए दास संगत जी, सुबह 6:30-7 बजे सारे महात्माओं को बुलाया गया था, सारे लोग आ जाए, सब इकट्ठा हुए और बड़े खुशी से सब लोग, प्यार से सब लोग जा रहे हैं, और बड़ा मतलब सदगुरु की बड़े क्या कहते हैं सुमिरन करते हुए, सब कुछ करते हुए, और बड़े हर्षोल्लास के साथ
सभी सेवा दल और कुछ संगत के भी लोग हैं, सभी लोग जा रहे हैं। हम भी जलमऊ पहुंच रहे हैं महाराज, जलमऊ के आगे रोक लेना। वी हैव अ योगा मैन विद अस हु मेक्स द पीपल योगा। ओके सो मिस्टर शिवम, शिवम कुशवाहा, नाइस योगा टीचर ही इज, सो ही विल से समथिंग इन अ फ्यू वर्ड्स। माता जी हैज गिवन अस एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग देयर, सो सेवा सुमरन सत्संग वी आर डूइंग, एंड हाउ डू यू फील दैट वी आर गोइंग दिस जर्नी, सो टेल मी समथिंग अबाउट द संत निरंकारी मिशन एंड समथिंग अबाउट योर सेवा एंड भक्ति जी। As you can see, we are going to Raebareli and where Satguru Mata Sudiksha Savinder Ji, जो कि हमारे निरंकारी मिशन की प्रमुख हैं और वो इस समय सदगुरु हैं, समय के सदगुरु हैं जैसे आप कह सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनके दर्शनों के लिए, बिकॉज ऑफ वो आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं दर्शनों के लिए काफ़ी दूर, हरियाणा जाना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है, वो हमारे घर चल कर आ रहे हैं, तो हम लोग उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जैसा कि उनका कहना है कि हमें मानव से प्यार करना है और सेवा ही मानव का मूल उद्देश्य है, और हम लोग जो मानव योनि में आए हुए हैं वो उसका असल मतलब दिखा रहे हैं कि हम लोग मानव योनि में किस लिए आए हुए हैं, और मानव का जीवन का उद्धार करने के लिए वो आए हुए हैं। तो हम सभी संत निरंकारी मिशन के सेवा दल, जो कि आज वहाँ पे मिशन का एक बहुत बड़ा ही समागम, ऐसा समागम आप कह लीजिए, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं और सेवा करने के लिए जा रहे हैं। सात संगजी प्यार से कहना निरंकार, यहाँ पे साफ तौर पर शिवम जी का कहना है मानव हो मानव का प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा जी। आइए चलते हैं संवाददाता सुनील जी के साथ। The bus is rattling, but it does not make a noise. Bijli power. And the noise of the Mahatma is very good. They are chanting the slogans and they are having a simran by the bless of the Sadhguru. And now we are going to get the corner seat and just we are going to stop this video. And that is why I am saying in the end of this event, Shambhulal Mahatma. Yeah, yeah. Shambhulal Mahatma is there. At the end of we will move to the Shambhulal ji. He will say something about the mission. Two lines mila padti to fir maza na aata. Maza nahi aata. Tadka apni line mein padta hai. दास संगत जी प्यार से कहिए निरंकार जी। दास संगत जी कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का संसार बने। ये कर्म ही है दास संगत जी, इसमें सत्य की जो है महत्ता है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए विशेष जोर दिया जाता है, और माता जी के द्वारा इस समय चंद्रगुरु का रूप है। बाबा हरदेव जी महाराज थे, उनके पद चिन्हों पर बराबर ये निरंकारी मिशन आगे बढ़ रहा है, और आज रायबरेली में जो दर्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ये विशाल प्रांगण में है, और हमारे यहाँ पे सेवा दल और साथ में साथी काफ़ी महात्मा वहाँ पर उपस्थित होंगे, और उसका माता जी के दर्शन का पूरा आनंद लेंगे, जिसमें कि सेवा समय दर्शन जो बताया गया है उसमें चलने के लिए कि ये परमात्मा जो है वो कणकण में विद्यमान है, चारों तरफ है, उसका विशेष ध्यान रखते हुए सेवा समय बराबर करते रहते हैं, और प्रेरणा देते हैं कि सभी संत इसमें निरंकारी मिशन से जुड़े और जीवन मुक्ति का मार्ग है और इससे अपना लाभ उठाएँ। Mission has a nice thought that people are having buildings, economy, if they are not satisfied. So people are seeking peace, love and truth. So three among things which are deniable and eternal things.